फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो दोस्तों फिर से लेकर आया हो एक नया वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बताएंगे तो जोमेटो का ऑर्डर आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसका जो केवटी है किस तरह से निकालेंगे, उसका जो ऑर्डर बिल बिल का जो बिल है वो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। और दोस्तों अगर पेज सेटअप कैसे करेंगे, प्रिंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जोमेटो देखिए इस तरह का कुछ ऑर्डर करेगा। तो ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देन आपको इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूटी लिखा है, तब जस्ट इस क्यूटी में क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको फिर प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपका प्रिंट आ जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको बिल का जो बिल चाहिए, तो ऑर्डर का जो बिल है वो बिल चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है वो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसका बिल आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ इस प्रकार का कुछ आ रहा है। तो आप चाहे तो इस तरह से आप इसका केवटी या फिर बिल दोनों ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ पेज सेटअप आप करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेज सेटअप बता देता हूँ किस तरह से इसका पेन करना है। और यहाँ पे आपको अगर कॉल वगैरह करना है तो यहाँ पे नीचे उनका नंबर शो करेगा, तो आपको यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर कस्टमर केयर से बात करना चाहती है तो यह इस तरह से आप बात कर सकते हैं। कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है या फिर कुछ रिप्लेस करना है, तो चलिए दिखा लेते हैं किस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर पर क्लिक कर दिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो है, देखिए ऑर्डर क्लिक कर लिया। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो प्रिंट वाला पेज है उसमें हम लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप कैसे करना है, इस तरह जैसे हम बताया इस तरह से आपको कर लेना है। ऑल में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कस्टम, अगर पेपर साइज आप 2-3 चाहिए तो वहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पेज का सेटअप कर लेना है, यहाँ पे आपको कस्टम पेज कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से करने के बाद ही आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो पेपर सेट कर रहा हूँ मैं, इसी तरह आप इसको पेपर को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पे पेपर हमेशा ही ये वाला सेट कर लेने का, ठीक है ना। करने के बाद ही आपको इस तरह का पेपर सेट करने के बाद ही आपको इसका बराबर प्रिंट आएगा। इसको नहीं करना है, जो नीचे वाला सबसे है उसी को रखना है। और यहाँ पे देखिए इसको मैंने कस्टम पेज कर दिया और इसको मैंने इस तरह से खींच के साइड कर दिया। जैसे इसको साइड करेंगे तो ही ये बराबर प्रिंट आएगा। तो आपको इस तरह से इसको पेपर को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ही आपको इसको प्रिंट देना है। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तभी ये आपको बराबर, ये देखिए 2 पेज में हो रहा है। तो इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे तक ले लेंगे तो देखिए एक ही पेज में सेटअप हो गया। ऊपर वाला थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर रख देता हूँ। बस इतने करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बनने के लिए चैनल पर बने रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके।